दो दिन वनखंडी महादेव मठ में अराजक तत्वों द्वारा मठाधीश पर किए गए हमले में पुलिस अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। इसको लेकर संत समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। वहीं पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को जेल भेज दिए जाने की कार्रवाई भी की है, लेकिन संत मठ के मुख्य मठाधीश को सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। मामला प्रदेश के बलिया जिले के सिकंदरपुर क्षेत्र में वनखंडी महादेव मठ के मुख्य संत पर हमला किया गया। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा स्पष्ट की गई जानकारी के अनुसार सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के डूहा विहरा गांव में स्थित वनखंडी महादेव मठ सेवा संस्थान के संत रमाकांत दास पर मंगलवार शाम मठ में आरती पूजन का कार्य चल रहा था। इसी बीच चार दीवारी को फलांग कर मठ में दाखिल हुए बदमाशों ने मौनी बाबा के नाम से जाने जाने वाले प्रमुख संत हरिलाल ब्रह्मचारी का गला दबाकर उन पर हमला किया, जिससे वे बेहोश हो गए। सिकंदरपुर थाना के प्रभारी विपिन सिंह ने बताया कि इस मामले में सात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने दो आरोपियों हरेराम यादव और चंद्रिका यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और यहाँ पर हम बनखंडी नाथ मठ नागेश्वर नाथ मठ ये डूहा बिहरा मौनी बाबा के आश्रम में हम आए हुए हैं। एक महीने से है यहाँ पर शिव। हाँ, क्या मामला हुआ है, आप आए हैं, क्या है, सच्चाई बताइए। जी हम आए हैं यहाँ पर, थोड़ा सा हमको रुकना था, हमको आराम मिला, रहना था यहाँ। उनके मौनी बाबा के शिष्य से तालमेल मिलता रहा, हम यहाँ रहे। तब तक हम अचानक उस आश्रम में थे, हम उस आश्रम में हम आराम कर रहे थे। यहाँ पर जो है कि कोई भागते भागते लड़का, यहाँ पर लड़का आया कोई भागते भागते, और पीछे से कुछ लोग दौड़ते हुए आए उन पर, और जो है कि बाबा जी के साथ में वो लड़का भाग कर आया बाबा के पास। बाबा ने उसका बचाव करने लगे, बाबा ने जब बचाव करने लगे तो बाबा के गले में हाथ लगा के पटक दिया गया। बाबा गिर गए, बाबा बेहोशी हालत में हो गए। बाबा को कोई नीचे से कोई महात्मा आए तो उठाए, महात्मा उठाने के बाद बाबा ने फिर बाबा को उठाए, बाबा को पानी उनी का छीटा उटा दिया गया, बाबा नीचे गए। बाबा नीचे गए फिर वो लोग जान से मारने की धमकी देते हुए कि पालघर नहीं देखा है ऐसे वैसे, और ये पहली बार की नहीं बात है, ये तीसरी बार है बाबा के साथ। हमको तो लगता है कि कोई साजिश की तरह वो लड़का को भगाया गया है, ये भी हमको दिमाग में आता है। अब सही है क्या है नहीं है ये हमको मालूम नहीं है कि क्या है, लेकिन कुछ है इसमें, कुछ राजनीतिक है, जो है कि साधु संतों के साथ ऐसा अत्याचार करना। और कौन गोरखपुर से आया है, जब हम थाने गए तो बोला गया कि कौन गोरखपुर से आया है, यहाँ के गुंडे इतने पीछे पड़े थे, वो तो कौन गोरखपुर से आया हो, कैसा आदमी है, वो गोरखपुर का नाम ले रहा था कि गोरखपुर का सन्यासी है, कौन है, ये लोग हमारे पीछे दौड़ रहे थे। और एसो हमसे मिले नहीं, एसो सिकंदरपुर हमसे मिले नहीं रात को, और बोले कि दिन में मिलेंगे, दिन में भी नहीं मिले। और दरोगा जो है उनके नीचे इस हलके का दरोगा, वो जो है कि इधर से उधर पढ़ाता रहा, और 24 घंटा हो गया, कोई क्लेम नहीं, कोई FIR नहीं, कोई रिसीविंग नहीं लिया, वो हमारे चिट्ठी का रिसीविंग नहीं लिया, लेकर बैठा गया। हम कुत्ते की तरह दौड़ते गए, कोई कुछ नहीं। अब हम क्या कहें, अब शर्म आती है बात कहने में, आ कि हम साधु संत की यहाँ गवर्नमेंट, बताइए बाबा जी इधर उधर की बात कर रहे थे मुख्यमंत्री साहब, और उनके जनपद बलिया में ही ऐसी अराजकता हो रही है, और यहीं पर वो हत्या का ही साजिश था। सिकंदरपुर पर कुछ लोगों ने आकर शिकायत की कि एक मठ में दो युवक झगड़ रहे थे, जिसको रोकने के लिए जब मौनी बाबा गए तो उनके साथ मारपीट की गई है। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है दी गई तहरीर पर, और उनका मेडिकल करवाया जा रहा है। दो नामजद अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है।